पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा विधानसभा घेराव के लिए सीहोर से सैकड़ों ट्रैक्टरों ट्रॉली के साथ रवाना हुए। इस दौरान कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जय जवान जय किसान के नारे लगाए। सज्जन सिंह ट्रैक्टर पर सवार होकर कार्यकर्ताओं की अगुवाई की। इस मौके पर सज्जन सिंह ने केंद्र और प्रदेश की बीजेपी सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि पूरे देश के किसान एक महीने से कड़ाके की ठंड में दिल्ली में धरने पर बैठे हैं, लेकिन केंद्र की तानाशाह सरकार किसानों की मांग मानने को तैयार नहीं है। जनता और किसान उन्हें जवाब देगी। एक महीने से किसान दिल्ली की चारों तरफ की सड़कों पे ठंड में बैठा है, लेकिन अत्याचारी सरकार है नरेंद्र मोदी की, एक तानाशाह की सरकार है नरेंद्र मोदी, जब बड़ा तानाशाह हिंदुस्तान में नहीं हुआ। किसानों की वाजिब मांगों को मानने को तैयार नहीं। काले कानून लेके आया, तीन कृषि काले कानून। किसान बोल रहा है कि कानून में फेरबदल करिए, कानून बदल दीजिए, लेकिन नरेंद्र मोदी क्योंकि तानाशाह है, इसलिए वो किसानों की बात नहीं सुनता। हम उनके समर्थन